भैया यहाँ दो कोरोना पेशेंट निकले, एक सत्यम मेडिकल स्टोर वाइस और उनके पड़ोस में है रचित मनी। वहीं पर आपकी आप राशन कोटेदार भी हैं, वहीं पर आपकी दुकान है कुछ दूरी पे, तो क्या लग रहा है आप जो राशन लेने आएंगे कोई दिक्कत सामने आएगी? भैया बिल्कुल आएगी, राशन में भी दिक्कत आएगी और मेडिकल स्टोर है सतपाल जी का, वो अगर मेडिकल स्टोर खुला रहेगा तो उससे जो पब्लिक बाहर की आ रही है, सरकारी अस्पताल में आ रही है, दवाई लेने जा रही है उनके मेडिकल पे, उनसे तो ये फैलेगा ही फैलेगा। तो क्या क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि यहाँ जैसे प्रशासन पहले बैरिकेडिंग लगा के सील करता था, उस तरीके से सील किया जाए जिससे भाई पूरे समाज को, यहाँ आने वाले हर आदमी सुरक्षित रहे। प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है इस मामले को लेकर? प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी, कल मैंने प्रशासन को अवगत भी करवाया था, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपके घर के पास तो कोरोना के पेशेंट निकले हैं जी, अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी, इस पर क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि कोविड के जो भी हमारे संक्रमित मरीजों की संख्याएं बढ़ रही हैं उनके पक्ष में प्रशासन को और यहाँ तक कि स्थानीय जो इसमें प्रशासन है उसकी अहम भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि इसके जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं वो साले फॉलो किए जाए, वरना ये संक्रमण ऐसा है कि एक से दूसरे दूसरे चौथे से बढ़ता ही जाएगा, और जल्द से जल्द प्रशासन इस चीज़ को सक्रिय हो ताकि हमारा समाज, हमारे घर परिवार के आपस के लोग इससे सुरक्षित रहें, और जो भी संक्रमित लोग हैं उन्हें जैसे भी इंडिकेशंस हैं, जैसे भी प्रिस्क्रिप्शंस हैं उन्हें फॉलो कराया जाए ताकि उनका जीवन भी सुरक्षित रहे और अन्यथा और लोगों का भी सुरक्षित रहे। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से यहाँ का प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसमें क्या कहेंगे? ये अगर प्रशासन इस चक्कर में कार्रवाई नहीं कर रहा है तो प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है। प्रशासन को, हमारा पूरा देश कोविड से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है, परेशान है, और जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा अगर प्रशासन इस चक्कर में इसलिए काम नहीं कर रहा है तो प्रशासन के खिलाफ तो कोई ना कोई एक्शन जरूर हमारे अपर लेवल अधिकारियों को करना चाहिए स्थानीय प्रशासन के, क्योंकि ये बहुत संक्रमित महामारी है।